ये संभावना है, मौखिक समय लग रहा है, हमें लग रहा है कि स्पष्टीकरण 4 बजे के लिए रखा है, इसलिए 4 बजे आ रहे हैं। अंदर ये बातें रखी गई हैं कि इसमें स्पष्टीकरण किया जाए, 2 दिन का समय दिया जाए विशाल सिंह के द्वारा। एक दरख्वास्त नहीं लगाई गई है कि वो दीवार जो है शिवलिंग के आसपास, ये सुधीर त्रिपाठी ने लगाई है मंजू व्यास की तरफ से। मुस्लिम पक्ष क्या बोल रहा है? उन्होंने इसका आपत्ति दर्ज कराने के लिए, विरोध के लिए समय मांगा है। इस केस में राखी सिंह जो है प्रतिवादी नंबर एक है, किसी दरख्वास्त में उनकी तरफ से कोई रोल नहीं है। जो रोल है वो सुधीर त्रिपाठी का बतौर अधिवक्ता और मंजू व्यास द्वारा। मलबा हटाने की दरख्वास्त कर रहे हैं अंदर कोर्ट की भीतर। देखिए वो कमीशन की रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा, अभी इस स्टेज पे उसको क्लियर करना सही नहीं। लेकिन रिपोर्ट को लेकर के जो समय है, कितना समय कब दिया जाएगा, ये 4 बजे के आदेश में स्पष्ट होगा। 4 बजे पूरी हो चुकी है, 4 बजे के लिए रिजर्व किया गया। देखिए याचिका अलग शब्द है, ये एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन लगाई गई थी कि जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसके बगल में, उसके सराउंडिंग में जो दीवार है, उस दीवार को जो है हटाया जाए, इसको लेकर के बात बनाई गई। लेकिन ये जो दीवार हटाने की है सुधीर त्रिपाठी जी ने लगाई मंजू व्यास की तरफ से, इसमें हमारा कोई राखी सिंह की तरफ से कोई रोल नहीं है। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट के लिए या किसी तरह के स्पष्टीकरण के लिए समय दिया जा रहा है ये प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया को, उसके आने के बाद में आगे के आर्गुमेंट होगी। अभी केवल पेश की गई है सुधीर त्रिपाठी जी द्वारा उस दीवार के लिए, सामने अंजुमन इंतजामिया ने समय मांगा है। देखिए उसको लेकर के मीडिया ट्रायल को लेकर कोई बात ऐसी नहीं कही गई है। देखिए आज उस पर कोई आदेश नहीं आएगा, ऐसा स्पष्टीकरण के समय है, 2 दिन का समय हम मांग के चलते हैं। सर्वे रिपोर्ट के लिए 2 दिनों का समय मिल सकता है जी? हाँ ये मिल सकता है। देखिए आज उस पर कोई आदेश नहीं आएगा, ऐसा स्पष्टीकरण के समय है, 2 दिन का समय हम मानते मतलब चलते हैं। सर्वे रिपोर्ट के लिए 2 दिनों का समय मिल सकता है जी? हाँ ये मिल सकता है जी। 4 बजे आदेश स्पष्ट होगा। हाँ बैठ जाइए, वकील हमारे से मौजूद हैं जो सुनवाई के बताए हैं। सर तो आपने वकील को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा ज्ञानवापी केस में अब 4 बजे वाराणसी की कोर्ट जो है वो आदेश सुना सकती है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, दीवाल है या ईंटे पत्थर है उसको हटा के जो दरवाजा है उसको खोल के अंदर जाने की इजाजत दी जाए, ये हमारी मांग है। उसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा, उसके लिए भी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार, और ये देखिए ये जो हमने मांग की दो तरफ है, एक नंदी जी के सामने वाला तहखाना और एक पूर्वी पश्चिम के दोनों जो है दीवालों को बंद करके दरवाजों को बंद कर दिया गया। ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार जो है वहाँ तक कमीशन नहीं हो पाया जाएगा, कमीशन वहाँ तक संभव नहीं होना। एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार पर जो बंद है मां सिंगारगौरी के स्थान पर, उसको भी खुलवा, दीवाल को खुलवाया जाए, मलबा हटवाया जाए। दीवाल नहीं यार, दरवाजा, दरवाजा जो दीवाल है, दरवाजा 2019 से वहाँ पे स्थापित किया गया है उसका डायरेक्शन। पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है, अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में। पर जो भी है शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है, उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। धन्यवाद। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ में, विष्णु शंकर क्या दोबारा से सर्वेक्षण कराया जाए इसको लेकर? दोबारा से सर्वेक्षण की मांग नहीं, कुछ एरिया हल्का सा छूट गया है उसके लिए मांग की है। अब ये तो कोर्ट का विशेष अधिकार है कि कोर्ट उसे इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद देता है कि उसके पहले देता है, ये तो कोर्ट के ऊपर है। उम्मीद है कि न्यायालय इसको देखेगा सुनेगा? बिल्कुल, हमें न्यायालय में पूरी उम्मीद है। हम जितने यहाँ पे याचिकाकर्ता हैं, प्रतिवादी पक्ष बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं है, आप इस चीज को देखिए, जितने यहाँ पे प्रतिवादी हैं, एक मिनट, ये यहाँ पे प्रतिवादी हैं, वादनी हैं और उनके अधिवक्ता हैं।
तरफ से जो कहा जा रहा है, हम सब लोगों ने वहाँ पे शिवलिंग देखा है, हम सब लोग ने वहाँ पे शिवलिंग देखा है, उसको क्लेम कर रहे हैं और हम मानते हैं कि वहाँ पे हमारे इष्ट देव आराध्य देव हैं और उसको हम प्रूफ करेंगे। सुभाष सिंह जी आपसे बात करेंगे, ये जिस तरीके से पूरी बात हो रही है और मुस्लिम पक्ष का कह रहा है, वहाँ मत जाइए सुबह हमारे चाचा चले ठीक है। एक सेकंड सर, आज आज के दिन की अपडेट्स क्या है, क्या है बताया तो मैंने, एक साथ बताया तो चलिए चलिए आप आगे आ जाएंगे सब आ जाएंगे। एक सेकंड एक सेकंड चाचा सर वहाँ पे आ जाइए। कोर्ट में आपको बता दें कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और हिंदू पक्ष ने एक और सर्वे के लिए अर्जी दी है और दो दिन की और मोहलत मांगी गई थी जिस पर कोर्ट जो है शाम 4 बजे फैसला सुना सकती है। जैसा कि आपने हिंदू पक्ष के वकीलों को सुना उसमें जो दो दिन की और मोहलत 17 तारीख चुकी सर्वे की रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख थी, डेडलाइन थी, तो उसमें जैसा कि आपने एक वकील को सुना उनका ये कहना था कि कुछ काम सर्वे का भी बाकी है लिहाजा और आज क्या हुआ सर, कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो सर्वे में दौरान शिवलिंग मिला है उसका सामने जो नंदी है उसके तखाने के सामने जो ब्यास जी का तखाना है उसमें मलबा भरा है, उसकी उत्तरी दीवार का शिवलिंग को ढक दिया गया है, उसको खोल कर और पूर्वी दीवार के दरवाजे को खोल करके जो दरवाजा बंद किया गया है शिवलिंग के सर्वे कराया जाए, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए और ब्रैकेटिंग के अंदर पश्चिमी दीवार जो है वहाँ भी बंद है उसको भी खोल करके दिया जाए। न्यायालय भी आदेश नहीं किए है यार, कमीशन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कमिश्नर द्वारा 2 दिन का समय मांगा गया है। अरे आदेश होगा, बहस हो गई है, विपक्षी द्वारा समय मांगा गया, न्यायालय आदेश करेगा। हाँ आएगा। अब जब आ जाए न्यायालय को ही कर सकते आदेश। सर वो एक दीवार का जिक्र आ रहा है जो शिवलिंग के चारों ओर है, उसको लेकर क्या कोई अलग अपील? देखिए मैंने अपील नहीं दायर की, एक मैंने वही आपको बताया, एक हमने एप्लीकेशन फाइल की है जो वजू स्थान के नीचे मस्जिद की पूर्वी साइड है और जो नंदी के सामने की व्यास जी का तहखाना है वहाँ पे जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाया जाए कि हम वहाँ पे अंदर जा सके और जो कमीशन है वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई हो सके। मुस्लिम पक्ष की माननीय न्यायालय, देखिए मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, अभी हमारी इस एप्लीकेशन पे उनका ये कहना है कि अपना जवाब दाखिल करेंगे, तभी कोई ऑर्डर पास हो तो कोर्ट उनको जवाब देने का टाइम देगा और एक एक डेट निर्धारित करेगा जिसपे कोर्ट अपना आदेश पारित करेगा। एक एक करके क्या कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं फवारा है, नहीं मुस्लिम पक्ष ने आज कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही, अभी तो कोर्ट में जो हमने एप्लीकेशन दी मुस्लिम पक्ष ने कहा उसका वो जवाब देंगे और अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे तब इसका फैसला हो, तो उसके लिए अब कोर्ट उनको टाइम देगी या जो भी निर्णय है वो कोर्ट करेगी। 4 बजे तक का इंतजार करना होगा, 4 बजे का इंतजार करना होगा और कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तो आप सबके सामने नई एप्लीकेशन दायर की गई है उसमें किस तरह की सुनवाई हुई है आज? देखिए आज जो हमने एप्लीकेशन दायर की थी हमारे जितने यहाँ पे लोकल काउंसिल्स हैं, वकील हैं, सुभाष जी हैं, सुधीर जी हैं, सबने ये बात रखी कोर्ट के सामने कि अभी कमीशन थोड़ा सा अधूरा रह गया है और जो वजू खाने के नीचे एक रास्ता जा रहा है शिवलिंग तक उसको वहाँ पे भी कमीशन करवाया जाए और जो व्यास जी के कमरा है उसमें भी एक रास्ता जा रहा है वहाँ पे भी कमीशन हो, तो वो दोनों बंद हैं मलबे से या लकड़ियों से या बाज बल्ली से, उन सबको खुलवाया जाए। नहीं अब हम कोर्ट में बिलीव रखते हैं, इस देश की न्याय व्यवस्था में बिलीव रखते हैं और कोर्ट जो भी आदेश पारित करेगा हमें मंजूर है, अदर साइड जो है उसमें अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, उसके बाद दोबारा इसकी सुनवाई होगी तो जो भी नेक्स्ट डेट है आप लोगों को पता चले। आज तो इसी बारे में फैसला आना है ना कि 2 दिनों का वक्त दिया जाए कमिश्नर को जी, 2 दिन का वक्त दिया जाए कि नहीं और जो दीवार के लिए हमने मांग की है उस पर अभी कोर्ट क्या निर्णय करता है, कमीशन की रिपोर्ट अभी कोर्ट उसमें निर्णय लेगा कि वो कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उस पर फैसला देंगे कि उस पर अदर साइड से ऑब्जेक्शन मंगा के फैसला देंगे, ये कोर्ट के भी आदेश में क्लैरिफाई होगा। 2 बजे जब कोर्ट की कार्रवाई फिर से शुरू हुई थी तो क्या हुआ अंदर भीतर, आप लोगों ने किस तरह से? मैंने आप लोगों को बताया कि हमने अपनी एप्लीकेशन फाइल की है और कोर्ट ने अदर साइड से ऑब्जेक्शन मंगाया है, अदर साइड अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करेगा और दाखिल करने के बाद कोर्ट उसमें अगली सुनवाई करेगी। क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा गया कि अगर नीचे खुदाई की जाती है मलबे को हटाया जाता है तो मस्जिद की दीवारें क्षतिग्रस्त हो सकती है? हाँ उन्होंने बात रखी थी पर उसपे हमारा यही कहना था कि ये टेम्पररी है, बहुत ही टेम्पररी है,
क्योंकि दरवाजा ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर दरवाजे को हटाया जाएगा या मलबा वहां से हटाया जाएगा तो मस्जिद को किसी भी तरह की सो कॉल्ड मस्जिद को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंच सकती है। दरवाजा मैंने जैसा आपको बताया वजू स्थान के जस्ट नीचे है और दूसरा दरवाजा जो नंदी है उसके जस्ट सामने जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ पे है, जहाँ पे कमीशन की कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है तो उसको हमने खुलवाने की मांग की। मलबा हटाया जाए, वहाँ पे भी वीडियोग्राफी कराई जाए। अब ये माननीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है कि वो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद इस पर निर्णय लेते हैं या अदर साइड से ऑब्जेक्शन मंगा के इस पर निर्णय लेते हैं, ये माननीय न्यायालय का अपना विशेष अधिकार है। कमिशन का दायरा बढ़ाया जाए या वो इसको ऐसे भी माना जाए कि कमिशन का वक्त बढ़ाने की मांग की है आपने? नहीं, वक्त नहीं बढ़ाने की मांग की, हमने सिर्फ ये कहा है कि थोड़ी सी जगह है जहाँ पे कमीशन नहीं हो पाया है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वजू स्थान पे, जैसा कि आप सबको पता है एक शिवलिंग मिला है, तो उसको और क्लैरिफाई करने के लिए ये एप्लीकेशन आज हमने फाइल की है। सरकारी पक्ष की ओर से एप्लीकेशन फाइल की गई है जिसका आप लोगों की ओर से कुछ विरोध किया गया है? देखिए, सरकारी पक्ष ने एप्लीकेशन फाइल की थी मछली को हटाने के लिए, उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हमारे वकील ने, हम सब ने यही कोर्ट के सामने पक्ष रखा कि हम सब जीव रक्षक हैं और हम नहीं चाहते हैं कि किसी जीव की हत्या हो, तो उसको बचाने के लिए जो उचित आदेश है वो कोर्ट पास करे। जहां तक दूसरी बातें हैं कि वहां पे वजू स्थान की बात है और दूसरा वहां पे जो वॉशरूम्स और टॉयलेट्स बने हुए हैं उसको यूज करने की बात है, तो उस पर हमारी आपत्ति थी। आप ये चाह रहे हैं कि क्या उसकी पूजा करने की भी इजाजत आप लोग? अभी हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल की है, जब एक बार पूरा कमीशन हो जाएगा तो हम फर्दर एप्लीकेशन। आपकी आपत्ति क्या है सरकारी वकील की? जो दो बाकी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, अगर हमारी चीजें पुख्ता होंगी तो हम उसको लेके भी आगे बढ़ेंगे। जैन साहब दो आपत्ति क्या थी सरकारी वकील पर? तो आपकी दो आपत्ति क्या थी जैन साहब? तो रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन की और मोहलत मिले हिंदू पक्ष के वकील को। अभी आपने सुना विष्णु जैन, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने अपनी बात जो है वो एप्लीकेशन के जरिए कोर्ट के सामने रखी थी और इस पर 4 बजे फैसला आएगा और पूरी उम्मीद है कि दो दिन की मोहलत उन्हें और मिलेगी क्योंकि कुछ जगह अभी भी बाकी है। सुनते हैं उस पे तय की दीवार तोड़ने की भी बात कही गई है जी, हमने तोड़ने के लिए ना खोलने के लिए आग्रह किया, खोलने के लिए माननीय न्यायालय से खोलने के लिए आग्रह किया, खोलने के लिए कहा गया लेकिन तोड़ने के लिए। तो आपको बता दें अब से कुछ देर बाद यानी शाम 4 बजे जो है वो कोर्ट की तरफ से आदेश आ सकता है, जो अर्जी दी गई थी। उसके अलावा एक और अर्जी जिसमें वजूखाने का दरवाजा तोड़कर जो पश्चिमी द्वार है वो तोड़ा जाए और वहां से मलबा भी हटाया जाए और फिर सर्वे किया जाए, यानी कमीशन का वो काम अभी जो है वो कुछ और बाकी है। पवन नारा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। पवन नारा, पवन हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने अभी 2-3 वकीलों को सुना हिंदू पक्ष की तरफ से, तो अभी एक बात तो तय है कि अब शाम 4 बजे तक कोर्ट की तरफ से आदेश आ सकता है क्योंकि ये कहा गया था कि कुछ काम कमीशन का भी अधूरा रह गया है, कुछ बाकी है, इसलिए 2 दिन की मोहलत कम से कम और मिले। जी बिल्कुल, यहां से सबसे बड़ी खबर है कि 4 बजे पता चलेगा कि कमीशन का रिपोर्ट फाइल करने के लिए कितना वक्त मिला है। कमीशन को की तरफ से कहा गया था कि हमें रिपोर्ट फाइल करने के लिए 2 दिन का वक्त और चाहिए, जिस पर शाम 4 बजे रिटर्न ऑर्डर आएगा। इसके अलावा 2 और एप्लीकेशन फाइल की गई थी, वो एप्लीकेशन हिंदू पक्ष की तरफ से ये थी कि जो शिवलिंग के चारों तरफ दीवार है उसको हटाकर जांच करने दी जाए और शिवलिंग के नीचे जो तहखाना है जिसके दरवाजे को सीमेंट की दीवार के साथ बंद किया है उसको तोड़कर जांच करने की अनुमति दी जाए, जिस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस पर विरोध जताने के लिए हमें वक्त चाहिए। इसके अलावा एक एप्लीकेशन सरकारी वकील की तरफ से भी मूव की गई थी जिसमें 3 बातें थी कि जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स वजू खाने के बगल में था जो अवरुद्ध हो गया है उसकी व्यवस्था की जाए, वजू खाने की पाइपिंग सिस्टम को शिफ्ट किया जाए और मछलियों को वहां से शिफ्ट किया जाए। तो मछलियों को शिफ्ट करने पर हिंदू पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वजू खाने के सिस्टम को छेड़छाड़ करने और टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर हिंदू पक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन दायर किया गया। और जहां तक वो दीवार तोड़कर और मलबा हटाकर जांच को आगे करने की बात है उस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से वक्त मांगा गया है और कहा गया है कि हमें ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए वक्त दिया जाए। तो आज शाम 4 बजे वाराणसी की अदालत से आपको ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि आखिर कितना वक्त इस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए मिलता है। जहां तक मलबे को हटाकर और उस दरवाजे को के अंदर जांच करने की बात है उस पर मुस्लिम पक्ष के
आपत्तियां आने के बाद आगे तय होगा कि वो अनुमति मिलेगी या नहीं। और दरवाजा हटाने से मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, इसको लेकर भी तर्क जो है हिंदू पक्ष की तरफ से दिए गए हैं क्या पवन? बिल्कुल, जब ये मांग की गई कि दरवाजे को सीमेंटेड तरीके से बंद किया गया है और उस दरवाजे को तोड़कर अंदर गुंबद की जांच की जाए, और हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग का हिस्सा उस तालाब के निचले वाले हिस्से तक जाता है और ये लंबा शिवलिंग है, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई इससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। अधिवक्ता और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता से उसमें चर्चा चल रही थी, गहमागहमी हुई है, तो और डिटेल जानना चाहेंगे तो आप वादी पक्ष के अधिवक्ता और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता से पूछेंगे तो वो आपको डिटेल बताएंगे। हाँ, समय बढ़ाने के लिए हमारे कमिश्नर साहब ने अप्लीकेशन दिया था कि 2 दिन के लिए हमको मौका दिया जाए, अब उस पर माननीय न्यायालय जो है अभी थोड़ा देर बाद निर्णय देगी अपना। जी, अभी बेहतर होगा आप उन लोगों से पूछें, वादी पक्ष के अधिवक्ता से और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता से, तो वो अच्छे ढंग से बताएंगे। जी, हम लोग द्वारा नियुक्त कमिश्नर हैं, हाँ, उसमें हम लोग इंटरफियर नहीं कर सकते, उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। जी, असंवैधानिक हो जाएगा। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।